हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ एक डोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मैं रेगुलर डोसा ना बनाकर बाजरे का डोसा बना रही हूँ। ये खाने में और देखने में बिल्कुल रेगुलर डोसा जैसा ही होता है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। बाजरा डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बाजरा, 1/2 कप उड़द दाल, 1/4 कप राइस। राइस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कनकी राइस यूज़ किए हैं। 1 टेबलस्पून चना दाल, 1/4 कप पोहा और 1 टीस्पून मेथी दाना। सबसे पहले इन सब चीज़ों को मैं 3 से 4 बार वॉश कर लूँगी। सारे ग्रेन्स को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसको पीस के इसका बैटर बनाएंगे। इसको भिगोए हुए मुझे 5 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस के इसका बैटर बनाएंगे। बैटर मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट या फिर 8 घंटे के लिए रख देंगे। इसको खोलते हैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है। आप इस बैटर से इडली, डोसा, उत्पम कुछ भी बना सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे डोसा बैटर की होती है वैसी ही होनी चाहिए। अब इसे डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डोसा तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ है। 1 बड़ा चम्मच बैटर लेंगे और इसको गोल गोल फैलाते हुए इससे डोसा बना लेंगे। जैसे ही ये नीचे से थोड़ा सिक जाता है इस पर थोड़ा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। डोसा नीचे से सिक गया है, अब इसको तवे से निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्प डोसा बना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बाजरे का डोसा बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।